क्वेश्चन है एक सर, मैंने बीबीए की है और मेरे कॉलेज ने मुझे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का कॉम्बिनेशन दिया है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ? देखो, कॉलेज ने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास ऑप्शन ये थी, आपको रीड कर लेना चाहिए था। ये इंस्ट्रक्शन है जो एनसीटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, सबसे पहले है बीकॉम और बीबीए बीएमकॉम, ये जो इन्होंने किया है, आपका बीबीए ये अंडरलाइन कलर किया हुआ है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में ऑप्ट टू टीचिंग सब्जेक्ट वन पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, वो आपको मिल गया, एंड अदर शैल बी पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स और मैथ्स और एनी अदर लैंग्वेज, और पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। इट मीन्स आपको दो मिलने थे, एक तो आपको कॉमर्स मिलना ही है, दूसरा उसके साथ लैंग्वेज ले सकते थे जहाँ इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। आप कॉलेज को गलत नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलेज इकोनॉमिक्स के साथ मैथ दे देता और मैथ के एडिशनल पेपर देने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अब आप गौर कॉमर्स इकोनॉमिक्स बचती है, इनमें से ही प्रेफर कीजिए। कारण क्या है उधर जाके आपको बताता हूँ, ये इसको रब करते हैं। अगर आप लेते हैं कॉमर्स और कौन सा इकोनॉमिक्स, ये बीबीए लिख दिया मैंने, बीबीए, ओके। तो अगर आप टू सब्जेक्ट, आप टीजीटी के लिए, एसएसटी के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, तो आपके पास बीए में एक भी सब्जेक्ट नहीं, ग्रेजुएशन में है ना, जो भी आपने बीबीए की है इसमें एक भी सब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स आपको दो सब्जेक्ट मिनिमम देने पड़ेंगे, उसमें एक हिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए और दूसरा आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। ये इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि दोनों ही स्कूल सब्जेक्ट हैं और इससे आप सेंटर और स्टेट दोनों में एलिजिबल बन जाते हो। तो आप ये दोनों पेपर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो तो ज़्यादा फायदा है आपको। तो आप जब बीएड कर रहे हो तो बीएड के साथ अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है, आप पता कर सकते हो उसके नॉर्म्स के, बीएड करते करते आप ये दोनों पेपर साथ में दे सकते हो, ठीक। और बीएड करने के बाद आप पैडागोजी ऑफ एसएसटी का पेपर दे दो अगर एसएसटी के लिए जाना है। अगर आपने जाना है इकोनॉमिक्स, आपने बीबीए में पढ़ी है, तो यहाँ आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हो। उसका एक एक पार्ट हर सेमेस्टर में आपने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स 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 6 के 6 में पढ़ी है ना, तो वो आपको पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का करवा देंगे। लेकिन ये क्रिटिकल है, इसको डीएमसी देखे बिना गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी बीबीए किसी यूनिवर्सिटी के है उसमें ये पेपर कैसे पड़े हैं ये डिपेंड करेगा। लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला फ्लेक्सिबल है, तो अगर इकोनॉमिक्स उसे भी मान लिया, मान लीजिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उसको इकोनॉमिक्स मान लिया, तो एक के बेस पर ही आपको एडिशनल बीएड के एसएसटी के देने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। तो मेरी जो गाइडेंस है कि आपको जो सॉलिड रूप से जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहिए, दैट इज वाई आपको सजेस्ट करूंगा आप इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स आपको मिली हुई है, आप इकोनॉमिक्स के हर हालत में पेपर दे दीजिए। लेकिन उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी, फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाओगे इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपने टीजीटी के लिए बनना है तो आपको दो सब्जेक्ट करने ही होंगे, वो अगर इकोनॉमिक्स ये चलता है। वैसे मैं ये सुजेस्ट नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आपको एडिशनल बाद में दे देने चाहिए। मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी बीएड चल रही है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं, हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम दें, थ्योरेटिकल है इसका हो सकेगा, दैट इज़ वाई ये इसको कर लीजिए। और बाद में बीएड के बाद अगर हैवी लगता है तो इकोनॉमिक्स का बाद में कर लीजिए, अगर दम है आप में तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री साथ साथ में कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, बेस्ट आपका यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरी बात, अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, जो बीबीए है वाले हैं ऑप्ट, उन्होंने कुछ करना है तो वो लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। कौन सी? एक तो पंजाबी ले सकते हैं और दूसरी वो इंग्लिश, इनमें से ले सकते हैं, मतलब कॉमर्स पंजाबी या कॉमर्स इंग्लिश। कारण क्या है? पंजाबी का एडिशनल पेपर देना 6 महीने में हो जाते हैं पेपर, 7 महीने में, तो वो दे के आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, बीबीए के हो आपको कॉमर्स मिलनी मिलनी है, कॉमर्स के साथ आप साथ साथ में क्या क्या एलिजिबल हो सकते हो? आप दो सोशल साइंस के पेपर दे सकते हो जहाँ एक सोशल साइंस का पेपर दे सकते हो, ठीक। उसके बाद आप
उस एडिशनल में इकोनॉमिक्स है तो मच बेटर है, क्योंकि पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स आपने ली हुई है। अगर दूसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज का लिया गया है, तो मान लीजिए आपने पंजाबी लिया है, तो पंजाबी के साथ साथ में बीएड के साथ साथ आप पंजाबी का भी बीए का एडिशनल पेपर दे दो। अगर इंग्लिश लिया है बीएड में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कॉमर्स एंड इंग्लिश लिया है, तो इंग्लिश के पेपर साथ साथ में आप दे दो बीए के। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला उसको ज़्यादा उनके दरवाजे खुले हैं। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर आपको जो एनसीटी है, गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटी है, तीनों थोड़े रिलैक्स होके आपको बीएड में एंट्री दे रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस रास्ते पर चल के ही आप एलिजिबल हो सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते खुले हैं। साथ में ये मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, जॉब जब लेनी है आपके सब्जेक्ट का जो एंट्रेंस सॉरी सिलेक्शन टेस्ट होना है उसके मार्क्स लगेंगे। दूसरा आपके सीटेट या पीटेट टीईटी कोई भी है उसके मार्क्स लग सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन सिलेक्शन टेस्ट के तो लग नहीं है। तो आप हैरान हो गए, बीएड के भी कहीं मार्क्स नहीं लगते, तो इसलिए अपना वो, क्योंकि मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ, ये मुझे पर्सनली मेरे पार्ट बैठ के बड़े डिस्करेज थे, दैट इज़ वाई बाकी बीबीए वालों को भी हौसला दे रहा हूँ कि घबराना नहीं है, रस्ते हैं। पहले आपने ऑप्ट कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन अब रस्ते हैं, उसको समझ के ऑप्ट कीजिए। नीचे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं, गाइडेंस फर्दर चाहिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।